इसको ये जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहाय है कश्मीर ने। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा, और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृहमंत्री के नाते खड़ा हूं। मोदी जी ने मुझे भारत के गृहमंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी करियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे। मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृहमंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था क्या? 70 साल की जमहूरियत में क्या जिन्होंने एक नए विकास के युग की शुरुआत के लिए बहुत परिश्रम, आयोजन और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की है, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, प्रधानमंत्री ऑफिस में MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, और इस यूथ क्लब के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए जम्मू और कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा युवा साथियों, आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया हूं, और आज सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के बाद पहला कार्यक्रम मेरा, मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मन की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुकून दोनों। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब है। आप कल्पना कर सकते हैं 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई ना कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई ना कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें। उनकी शिक्षा की चिंता हो रही है, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही है, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो रही है, और कश्मीर के विकास के साथ हम उसको जोड़ते हैं। मित्रों, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है, इससे आजीविका का सृजन भी होता है, इससे शिक्षा और कौशल विकास ये भी आगे बढ़ता है, आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान भी। हमारी बहन बैठी है कोर्ट ने बताया मुझे, बहुत सहायता मिली यहां पर,
तो आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता भी मिलती है। परामर्श एक गाइडेंस भी मिलता है और इसके साथ साथ हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज युवाओं को खेल के साथ जोड़ना है। खेल ऐसी चीज है जो हर युवा ने अपने आप को खेल के